उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने ह्वासोंग 15 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि कर दी है। अपनी पुष्टि में उत्तर कोरिया ने बताया कि उसने परीक्षण लॉन्चिंग ड्रिल में किया था, जिसका मकसद शस्त्रतापूर्ण ताकतों के बीच देश की क्षमता का प्रदर्शन करना था। दरअसल दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आगामी सैन्य अभ्यासों की कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी पर उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी, जिससे जापान के पश्चिमी तट से दूर समुद्र में किया गया था, जिस पर उत्तर कोरिया ने नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने इसकी पुष्टि करते हुए अमेरिका को संभल जाने की चेतावनी दी। तानाशाह की बहन यो जोंग ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उत्तर कोरिया के बारे में गलत जानकारी देने की कोशिश कर रहा है, जो किसी शत्रुतापूर्ण नीति से कम नहीं है। इसलिए मैं चेतावनी देती हूं कि हम दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे और उसके हर शत्रुतापूर्ण कदम के खिलाफ शक्तिशाली और भारी जवाबी कार्यवाही भी करेंगे। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट में समुद्र की ओर से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल परीक्षण वॉशिंगटन में होने जा रही अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यास से पहले किया गया। इसके अलावा यदि हम अल जजीरा की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो जापान के तटरक्षक बल ने भी ये कहा है कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। पूर्वी सागर में किए गए मिसाइल परीक्षण के बाद से अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ जापान में सीना में हलचल है, क्योंकि जिस सागर में परीक्षण हुआ उसे जापान सागर के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षण से एक दिन पहले उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई करने की धमकी दी थी। ये धमकी कहीं न कहीं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच बनी खाई को और बढ़ाने का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि नॉर्थ कोरिया के इस कदम के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।